देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। आज हम पढ़ेंगे बेटा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन विदाउट रोटेशन ऑफ एक्सिस। बेटा एक्सिस फिक्स है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन है। अब मैं ओरिजिन को शिफ्ट कर रहा हूं, मान लीजिए ओरिजिन को मैंने शिफ्ट किया एच कॉमा के पर, तो ये आ गया न्यू एक्सिस। ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ये ओल्ड एक्सिस और ये न्यू एक्सिस, और ओरिजिन को मैंने शिफ्ट किया एच कॉमा के पर। अब ध्यान देना बेटा कंसेप्ट क्या है, जैसे एक पॉइंट है यहां पर एक्स कॉमा वाई, अब इस पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर गिराया तो ये ओल्ड एक्स पर गिरेगा, तो हाइट जो होगी वो क्या होगी वाई, और विड्थ क्या होगी एक्स। अब मान लीजिए यहां पर न्यू पॉइंट भी इसी पोजिशन पर है एक्स डैश वाई डैश, अब इससे मैं गिराऊंगा परपेंडिकुलर तो वो न्यू एक्स पर गिरेगा, तो ये हाइट हो जाएगी वाई डैश और ये विड्थ हो जाएगी एक्स डैश, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस एच के से परपेंडिकुलर आएंगे ओल्ड एक्स पर, तो ये हाइट के और ये विड्थ एच। तो कंसेप्ट क्या है बेटा, टोटल एक्स जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा एक्स डैश प्लस एच, ये एक्स और ये एच और ये एक्स डैश, तो बेटा एक्स बराबर आगे एच डैश प्लस एच। इसी तरीके से वाई बराबर क्या होगा वाई डैश प्लस के, तो बेटा ये है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। सिंपल कंसेप्ट है वेर एक्स वाई ओल्ड पॉइंट एक्स डैश वाई डैश न्यू पॉइंट वेर एच के जिससे हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया, एक्स बराबर एक्स डैश प्लस एच और वाई बराबर वाई डैश प्लस के। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, जब भी आपको ओरिजिन को शिफ्ट करना हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एच कॉमा के पर, तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे एक्स डैश वाई डैश क्या है बेटा वेयर एक्स डैश वाई डैश न्यू पॉइंट एक्स वाई ओल्ड पॉइंट एच के क्या है जिससे हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया है, ठीक है आप इसको नोट कर लें। और ये कंसेप्ट तभी लगेगा जब हम एक्सेस को रोटेट नहीं कर रहे हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन विदाउट रोटेशन ऑफ एक्सेस। तो लिखिए बेटा इस आर्टिकल पर क्वेश्चन, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 3, -4। फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 3, -4 इफ द ओरिजिन इज शिफ्ट टू इफ द ओरिजिन इज शिफ्ट टू 1, 2 बाय ट्रांसलेशन। फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 3, -4 इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड 1, 2। बेटा ओरिजिन को आपने 1, 2 पर शिफ्ट कर दिया, तो इस पॉइंट का मुझे न्यू पॉइंट निकालना है, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। तो ये क्या है x की वैल्यू क्या होगी बेटा 3 और h की वैल्यू क्या होगी 1। तो अभी भी फॉर्मूला दिया x बराबर x डैश प्लस h, x के प्लेस पर रख दो बेटा 3, x डैश मुझे निकालना है h 1, तो x डैश आ गया बेटा 2। इसी तरीके से y की वैल्यू है -4 और k की वैल्यू है 2, तो y बराबर y डैश प्लस के, -4
is equal to y dash plus 2. So y dash आ गया minus 6. Finally new coordinates आ गया बेटा 2 comma minus 6. ये है new coordinates. ये है old points और ये वो point है जिससे हमने origin को shift किया. और ये new coordinates ये old point है जिससे हमने origin को 1,2 पर लेके बेटा. ये old point और ये new point और ये HK जिससे हमने origin को shift किया. तो बहुत ही simple question था, बस आपको ये formula याद रखने. ठीक है, next question. लेकिन find the transformed equation of the straight line find the transformed equation of the straight line 2x minus 3y plus 5 is equal to 0 if origin is shifted to 3 comma minus 1 आप सुनिए बेटा, आप उसने बोला है कि इस लाइन को आप चेंज करें. यदि मैं ओरिजिन को शिफ्ट कर रहा हूं 3 कॉमा माइनस 1 पर तो लाइन भी चेंज हो जाएगी. ये ओल्ड लाइन है बेटा. तो सिंपल है, x बराबर क्या होता है, x बराबर x डैश प्लस h और y बराबर y डैश प्लस k. तो x बराबर हो जाएगा x डैश, h क्या बेटा 3. ये ओल्ड लाइन है और न्यू लाइन में कन्वर्ट करना है और ओरिजिन को मैंने 3 कॉमा माइनस 1 पर शिफ्ट कर दिया. y बराबर y डैश माइनस 1. तो एक काम करें, इस x के प्लेस पर ये ओल्ड लाइन है बेटा, अब इसको न्यू लाइन में कन्वर्ट करने जा रहा हूं. तो ये ओल्ड x हो गया, ओल्ड x के प्लेस पर x डैश प्लस 3 माइनस 3, y के प्लेस पर y डैश माइनस 1 प्लस 5 is equal to 0. So finally 2x dash minus 3y dash, 3 to the 6, 6 plus 3, 9 plus 5, 14 is equal to 0. ये है final answer. बेटा ये new line है और last में आप answer x, y में ही देंगे. 2x minus 3y प्लस 14 बराबर 0. बेटा ये है न्यू लाइन और ये है ओल्ड लाइन. अच्छा आप ध्यान से देखें, ओल्ड लाइन की स्लोप 2/3 है और न्यू लाइन की स्लोप भी 2/3 है. वो तो होनी ही है बेटा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन विदाउट रोटेशन ऑफ एक्सिस. भाई हम रोटेट को एक्सिस को रोटेट नहीं कर रहे हैं, तो जो भी लाइन होगी उसी के पैरेलल जाएगी. जैसे मैंने अब डायरेक्शन कराई थी तो x को x डैश लिखा था, तो पैरेलल में ले गया था मैं दोनों को. सेम वही कांसेप्ट है, ये ओल्ड लाइन है और ये न्यू लाइन है. इसके पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने पॉइंट को न्यू पॉइंट में कन्वर्ट किया था, ओल्ड पॉइंट को न्यू पॉइंट में. ठीक है, यहां ओल्ड लाइन को न्यू लाइन में कन्वर्ट किया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें. बस बेटा फॉर्मूले ये लगाने हैं आपको. लेकिन नेक्स्ट, फाइंड द पॉइंट टू बीच द ओरिजिन शुड बी शिफ्ट सो दैट द इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0. फिर रिपीट करो, फाइंड द पॉइंट टू बीच द ओरिजिन शुड बी शिफ्ट so that the equation y square minus 6y minus 4x plus 13 is transformed to the form is transformed to the form
बेटा सुनिए, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है मैं आपको बताऊं। उसने बोला है कि हम ओरिजिन को किस पॉइंट पर शिफ्ट करें जिससे ये ओल्ड कर्व इस न्यू कर्व में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, न्यू कर्व इस फॉर्म का है ना कि एग्जिट, ये न्यू कर्व जो भी है वो इस फॉर्म का है। ये है न्यू कर्व का फॉर्म है ये, और ये है ओल्ड कर्व। अब उसने बोला है कि इस कर्व को हम, इस कर्व में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ओरिजिन कहां शिफ्ट हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। मतलब वो क्या पूछ रहा है, h कॉमा k की वैल्यू, वो आपसे पूछ रहा है h कॉमा k पूछ रहा है बेटा, ठीक है, h कॉमा k। उसने बोला है कि ओरिजिन को हम कहां शिफ्ट करें जिससे ये कर्व इस कर्व में कन्वर्ट हो जाए, और इस टाइप का होना चाहिए, ओके, ना कि एग्जिट ये। तो देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। टारगेट क्या है, इसको इसमें कन्वर्ट। उसके लिए देखो मैं आपको तरीका सिखाता हूं कि कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। बेटा वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूं। वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स, सिक्स वाई को ट्रांसफर कर देते हैं, 13 को ट्रांसफर कर देते हैं। अब वो साइड प्लस फोर, प्लस फोर मैं ऐड कर रहा हूं, अच्छा अच्छा सिक्स वाई, ओके, परफेक्ट स्क्वायर के लिए सिक्स वाई को लेना पड़ेगा। वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस 13। हाँ भाई, इसमें क्या ऐड करें, 9, वो साइड 9 ऐड कर देते हैं, और जैसे ही 9 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, 4x माइनस 13 प्लस 9। तो बेटा ये बन गया y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 4x माइनस 4, ठीक है। अब यहां से 4 कॉमन ले लेते हैं, x 1, अब आप देखिए इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो जैसे ट्रांसफर करेंगे तो y माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 1 बराबर 0। तो बेटा ये न्यू और ये ओल्ड है, ओल्ड को मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो ये न्यू y बराबर, अब कंपेयर करूंगा बेटा, तो न्यू y बराबर क्या हो गया, y माइनस 3, और न्यू x, न्यू x बराबर क्या होगा, देखिए एक ही वैल्यू कर देगी माइनस 4, तो x के प्लस पर क्या आ गया, x माइनस 1। तो ये न्यू y, ये ओल्ड y। अच्छा, हमारा फार्मूला क्या होता है, x बराबर x डैश प्लस h, और y बराबर y डैश प्लस k। तो बेटा अब इसको, ये न्यू x है और ये न्यू y, तो चलो इसको इससे कंपेयर करते हैं। अब जैसे ही कंपेयर करेंगे, इसको मैं लिख देता हूं x प्लस x बराबर x डैश प्लस 1। अब कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, h 1, ओके। अब इसको इससे कंपेयर कर देते हैं, y डैश, y बराबर क्या हो जाएगा, y डैश प्लस 3, तो k की वैल्यू जाएगी बेटा 3, तो आंसर आ गया 1,3। मतलब यदि आप ओरिजिन को 1,3 पर ले जाएंगे तो ये जो ओल्ड कर्व है वो इस कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है बेटा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन विदाउट रोटेशन ऑफ एक्सिस। इस कंसेप्ट में मैंने आपको पॉइंट को भी शिफ्ट करके सिखाया, लाइन को भी शिफ्ट करना सिखाया, और कर्व को भी शिफ्ट करना सिखाया। इसके पहले जो क्वेश्चन था वो लाइन वाला था, और लाइन के पहले जो क्वेश्चन था वो पॉइंट वाला था। तो सेम तीनों क्वेश्चन के लिए आर्टिकल ये लगेगा, एक्स बराबर एक्स डैश प्लस एच, वाई बराबर वाई डैश प्लस के, वेयर एक्स डैश वाई डैश न्यू पॉइंट, वेयर एक्स वाई ओल्ड पॉइंट, वेयर एच के जिससे हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया है।
ठीक है, इसको आप नोट कर ले। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखें बेटा, रोटेशन ऑफ एक्सेस without shifting of origin, लिखें rotation of axis without shifting of origin। अब हम axis को rotate करेंगे बेटा, rotation of axis without shifting of origin। तो देखिए ये है old x और ये old y और ये origin। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा रोटेशन ऑफ एक्सिस, मतलब एक्सिस को रोटेट करना है और ओरिजिन फिक्स है विदाउट शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। इसके पहले क्या पढ़ रहे थे हम, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन विदाउट रोटेशन ऑफ एक्सिस। अब देखिए क्या होगा, ये मैंने एक्सिस को रोटेट कर दिया तो ये हो गया न्यू एक्स और ये हो गया न्यू वाई। न्यू वाई न्यू एक्स, ठीक है, ये मैंने एक्सिस को रोटेट कर दिया थीटा एंगल से। यहां पर एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, तो इस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर आऊंगा तो ओल्ड पर गिरेगा और इसी से मैं परपेंडिकुलर आऊंगा, ये मान लीजिए एक्स डैश वाई डैश, तो ये न्यू पर गिरेगा, ये हो गया y डैश और बिट हो जाएगा x डैश, ये हो गया y x और ये हाइट y, ठीक है। तो बेटा जब हम एक्सेस को रोटेट करते हैं तो कहानी क्या है आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूं, अब देखिए फार्मूला बना रहा हूं मैं, एक्स डैश बराबर एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। एक्स डैश क्या बेटा न्यू पॉइंट, एक्स वाई क्या है ओल्ड पॉइंट, थीटा क्या है जिससे मैंने एक्सिस को रोटेट किया। अब जैसे वाई डैश निकालना है तो y डैश का फॉर्मूला जाएगा माइनस x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा, ये आ गया बेटा फॉर्मूला, ठीक है। x डैश y डैश न्यू पॉइंट और x y ओल्ड पॉइंट। अब मान लीजिए आपको x निकालना है तो x बराबर क्या होगा, जाएंगे x डैश कॉस थीटा फिर माइनस वाई डैश साइन थीटा। अब मान लीजिए वाई की वैल्यू निकालनी है, देंगे एक्स डैश साइन थीटा, एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। ये लो टोटल चार फार्मूले दे दिए बेटा मैंने, ये न्यू पॉइंट इन टर्म्स ऑफ ओल्ड और ये ओल्ड पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ न्यू, वेयर थीटा जिससे हमने एक्सिस को रोटेट किया है। अब बेटा ये टेबल याद रखो,
बेटा ये था रोटेशन ऑफ एक्सिस विदाउट शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन. अब आप इनको डायरेक्ट याद रखना बेटा. ये फार्मूला कब लगाएंगे आप? जब आपको एक्सिस को रोटेट करना हो. और थीटा क्या है? जिससे हमने रोटेट किया है. ठीक है, यहां पर ओरिजिन फिक्स है बेटा. और इस टेबल से आप चार डायरेक्ट फार्मूला निकाल सकते हैं, एस डैस, वाई डैस, एक्स वाई. ठीक है, तो ये था बेटा रोटेशन ऑफ एक्सिस विदाउट शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन.